एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर भाकपा माओवादी के विरुद्ध सदर थाना के पेशरार के जंगल में शुक्रवार को चलाए गए अभियान में माओवादी के रविंद्र गुंजू के दस्ते के साथ पुलिस की भीषण मुठभेड़ हुई। लगभग एक घंटे तक मुठभेड़ चलने के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को नक्सलियों का इंसास राइफल, एक 9SS का पिस्टल, भारी मात्रा में गोली, इंटोनेटर समेत कई सामान बरामद हुए। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि माओवादी के रविंद्र गुंजू के दस्ता के होने की सूचना पर अभियान चलाया गया है। लगभग पिछले 10 दिन से लातेहार और लोहरदगा जिला बल के द्वारा और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज लातेहार थाना क्षेत्र के एरिया में अम्बा पावा और किदला टोली से के दक्षिण में पेशरार रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जब हमारी पुलिस बल और CRPF के जवान सर्च कर रहे थे, तो दिन के करीब 11:50 बजे के आसपास उनके ऊपर रविंदर गंजू के दस्ते के द्वारा गोलीबारी की गई। प्रत्युत्तर गोलीबारी में हमारी तरफ से भी उसका जवाब दिया गया। नक्सली खुद को हारता देख वहां से भाग गए। बाद में हमने एरिया को सर्च किया तो वहां से हमें एक इंसास राइफल, एक पिस्टल, करीब 1500 राउंड गोली, करीब 13 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो पूरी तरह से तैयार थे उनका इस्तेमाल करने के लिए, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव, हथगोले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्राप्त हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।